So, before coming to the question answers, this is like I was thinking of to discuss the sample paper, a whole sample paper with you, that is having all the mixed questions. But that we will do after your this completion of the full syllabus revision. ठीक है, because we are done with the syllabus of revision test one only. Now we'll be starting with the revision test two syllabus. Today you are having your revision test one. I hope आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा. और यहाँ पे एक डाउट है आप लोगों में, दैट इज ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल, है ना. सो राइट नाउ आई एम फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस द मेंसुरेशन साइकिल विद इट्स इमेज जो आपकी एनसीईआरटी में बनी है. देन आई विल बी आस्किंग यू द मिक्स क्वेश्चंस. ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग यू द असर्शन एंड रीजन इज इन रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द चैप्टर्स. ठीक है, एंड द सेम वे एमसीक्यूज एंड द केस बेस्ड क्वेश्चंस. सो यू विल बी आंसरिंग मी अकॉर्डिंगली एंड आई वॉन्ट ऑल टू पार्टिसिपेट प्लीज. ओके, सो फर्स्ट have a look on the menstruation cycles chart. Is this visible? Anji, this is visible, I guess. Gitesh, can you see it? Okay. So in this chart, image इससे बड़ा नहीं हो सकता है. Please have a look on this only. In this chart, if you can see, सबसे पहले पहले boundary देखो. Boundaries में क्या क्या लिखा है? आपको यहाँ पे question जरूर आना है बेटा, इसमें से flow chart में से क्वेश्चन अब आएगा, रिवीजन टेस्ट में आएगा, या फिर आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स में आएगा, फाइनल्स में आएगा, या प्री बोर्ड्स में आएगा. कहीं ना कहीं इसमें से कंसेप्ट इसके रिलेशन में जरूर आते हैं. ठीक है, एंड यू आर गिवन दिस फ्लो चार्ट समटाइम्स एंड समटाइम्स यू आर नॉट गिवन. ठीक है, तो यू हैव टू कीप दिस फ्लो चार्ट कम्प्लीटली इन योर माइंड. गेटिंग कमिंग टू दिस फ्लो चार्ट, अगर आप सिर्फ इसकी बाउंड्रीज देखो, दैट इज ऑन द वाई एक्सिस. अगर आप इस ग्राफ पे देखेंगे, there are four events which are mentioned: uterine events, ovarian hormone, ovarian events, and pituitary hormone levels. Okay. Then on the x-axis of this graph, there are days mentioned 1 to 29, along with the phases. Okay. Phases mein proliferative phase, secretory phase, ye mentioned nahi hai, menstruation phase, and also the next cycle that begins. Okay. Ab आपको यहाँ तो डे वाइज पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है. पहले तो वो वाई और एक्स एक्सिस का ही कंसर्न बताएंगे आपको, व्हाट थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर. ठीक है, जैसे आप ग्राफ्स में करते हो ना, आप ग्राफ में क्या करते हो, एक पॉइंट को लोकेट करते हो. लेट्स से 3 0, है ना, या 3 2. तो 3 2 मीन्स यू आर टू लोकेट द एक्स एक्सिस देन द वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली. 3 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह देते हैं आप. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. अगर आपको बोलते हैं दैट ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज वॉट विल बी द चेंज इन द ओवेरियन हॉर्मोन लेवल, लेट्स से. ठीक है, वॉट इज द चेंज सीन इन द ओवेरियन हॉर्मोन लेवल. द चेंज सीन इज दैट अब आपको ओवेरियन हॉर्मोन पहले पता होना चाहिए. यहाँ पे क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन लेवल राइजेज अबव. ये ऑप्शन है अब आपके लिए, हितेश सुनो. एस्ट्रोजन लेवल राइजेज अबव दैन द प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइजेज अबव दैन द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिमेन्स द सेम, ऑल ऑफ दिस. बताओ. हाँ जी बताओ, इसमें अब आपको क्वेश्चन क्या मिला. ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज यानी एक्स एक्सिस से अपनी फिंगर्स के साथ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, गो टू ओनली द ओवेरियन हार्मोन लेवल वाला चार्ट. यू आर लुकिंग ऑन टू द टू लाइंस, पिंक एंड ब्लू. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और ओवेरियन हार्मोन्स दो ही हैं, है ना. अब यहाँ पे आपको आगे पूछ रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस विजिबल ड्यूरिंग द फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज इन द ओवेरियन हार्मोन लेवल्स. And my options were that the estrogen level rises above the progesterone. I'm creating this question on my own. You can please answer this. Estrogen level rises above the progesterone. Secondly, the progesterone level remains the same. Third level, third answer is progesterone rises above the estrogen. Or fourth is none of these. Yeah, all of these. Anji Kitesh, batao. एस्ट्रोजन लेवल राइजेज अबव द प्रोजेस्टेरोन, इट इज ऑलरेडी अबव. It is not rising just now for the follicular phase, है ना. Observation है ये, ऐसे वाले questions सिर्फ observation में. अब observe करके देख रहे हो, पहले से ही, पहले दिन से जो चलता आ रहा है, estrogen ऊपर ही था,
वो बात अलग है कि एकदम से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, पर राइज अबव द प्रोजेस्टेरोन तो नहीं किया, वो तो पहले से ही था। जस्ट इन फॉलिकुलर फेज तो नहीं किया, वो तो पहले से ही था। गितेश ठीक है, थर्ड ऑप्शन मेरा जो था, सेकंड तो था ही रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन जो था उसमें मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन रिमेन सेम एंड इट इज रिमेनिंग सेम। देखो सिंस डे वन टिल द फॉलिकुलर फेज इट इज रिमेनिंग सेम, ये ज्यादा बेटर लाइन नहीं है? हाँ जी गितेश, यस और नो? बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी आर यू गेटिंग? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी एनालाइजिंग दिस। दिस चार्ट ऑलवेज कम्स इन द एनालिसिस, नथिंग टू बी गिवन एन आंसर, लाइक कि आपको अपने तरफ से आंसर क्रिएट ही करना। आपको सब कुछ गिवन है इस चार्ट में, अगर तो ये चार्ट गिवन है तो आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर ये चार्ट गिवन नहीं है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसके चेंजेस कब कैसे कहाँ होते हैं, इसकी फोटो याद रखनी पड़ेगी। अब लेट्स से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नाउ गिव मी द आंसर फॉर दिस। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल अलोंग विद द इन कंसर्न टू द या इन कोरिलेशन टू द यूट्राइन इवेंट्स। अब ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जिसमें मैंने दो चीजें कोरिलेट कर दी, इन कोरिलेशन विद द यूट्राइन इवेंट्स। क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फेज, पहले एक्स एक्सिस फिर वो वाई एक्सिस के बारे में बता रहा है कि व्हाट विल बी द कोरिलेशन और व्हाट विल बी द रिलेटेड चेंजेस बिटवीन द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल एंड द यूट्राइन इवेंट्स। है ना, दो चीजें कोरिलेट कर दी, तीन कर सकता है, किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं। हमेशा आपको कंसर्न एक्स और वाई एक्सिस का पहले बताएंगे, फिर आपसे अंदर की चेंजेस पूछेंगे जो आपने एनालिसिस से बतानी है। अब बताइए मुझे व्हाट ऑल ऑब्जर्वेशंस कैन यू सी फॉर द टू इवेंट्स। हाँ बताओ गितेश, व्हाट ऑल चेंजेस, ऑल द चेंजेस, एंड लिस्ट ऑल द चेंजेस। अनम्यूट करो बच्चे, अनम्यूट। यस मैम। हाँ जी बोलो, मेरा क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग विच फेज? मेंसुरेशन फेज। ठीक है, जैसे ही आपने पहला बजवर्ड पढ़ा एक्स एक्सिस का बता दिया उसने, मेंसुरेशन फेज सीधा ही मेंसुरेशन फेज, और उसके ऊपर तक आपने पूरा एक फिगर आउट कर देना है कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, यू स्क्रॉल टिल अबव, ये हमारा 1 to 4 days का होता है या 5 days अप्रोक्सीमेट, पूरा ऊपर तक एक तरह से आपने पेंसिल से मार्क कर दो या अपने माइंड में क्रिएट कर लो कि यहाँ तक की मैंने बात करनी है ओनली। ठीक है, फर्स्ट 5 days आर नोन टू बी द मेंसुरेशन फेज। डन। अब हमें पूछी कौन सी दो चीजें, सारों के बारे में नहीं बताना, सिर्फ दो चेंजेस के बारे में बताओ। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल कोरिलेटेड टू द यूट्राइन इवेंट्स, बताओ। मैम एफएसएच और एलएच का, मैम एफएसएच कम हो रहा है एलएच बढ़ रहा है। एफएसएच इनिशियली वाज मोर बट एट द एंड, बाय द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट डिक्रीज्ड and the level of LH increased by the end of menstruation. Fifth day तक जाके देखो increase कर रहा है ना, so it is decreasing now. FSH is decreasing. अब line कुछ भी दे सकते हैं वो, देखो ABCD में तुम्हें कुछ भी आ सकता है, तुम्हारी observation कितनी strong है, analysis कितना strong है, वो matter करता है यहाँ पे। अब एक line है FSH level is decreasing down or it is falling down. Yes, it is falling down. LH level is increasing up. है ना, that is increasing up. Or we can say by the end FSH and LH will be reversed. The amount of the LH and FSH will be reversed. Terms कुछ भी use कर सकते हैं, lines कोई भी कुछ भी use करवा सकता है, लेकिन आपको तरीका बताना चाहिए कि आप analysis कैसे कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे देखो menstruation phase uterine events में देखो, अब वहां पे क्या हो रहा है? First is they are showing the menses, that is the bleeding is taking place. Secondly, what we can add? Anji, what can be added further? Ma'am, follicles. Follicle का तो पूछा ही नहीं है, वहां क्यों जा रहे हो? अब ये भी तुम्हारे को ऑप्शन में आ सकता है, with the falling level of the FSH, the follicles are also developing. तुम तो कहोगे ये भी सही है, पर पूछा ही नहीं तुम्हें तो ovarian events के बारे में तो पूछा ही नहीं। हाँ जी शिवम, सही तो है आंसर, पर ovarian event तो पूछा ही नहीं, जब क्वेश्चन ही नहीं रीड किया तो आंसर में सही गलत नहीं पूछा, सिर्फ आपको ये नहीं पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, उसने पूछा है करेक्ट अबाउट द टू कोरिलेटेड इवेंट्स। हाँ जी बोलो शिवम। शिवम जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जैसे जैसे एफएसएच थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में घट रहा है, वैसे वो एंडोमेट्रियम की भी लाइनिंग कम हो रही है।
थिनिंग फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद एफएसएच का बढ़ना शुरू हो गया, तो वैसे वो अपना एंडोमेट्रियम भी फिर उसके बाद वो बिल्ड और होने शुरू हो गया। यस, ये देखो ना, अब ये ऑब्जर्वेशन है, आपने एक एक लाइन में चलना है, ठीक है, एक लाइन में चलना है, फर्स्ट डे से फर्स्ट लाइन जो बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट में बनी हुई लाइन है उसके हिसाब से चलना है आपने पहले। उसके हिसाब से जब आप चले तो आपने शुरू किया कि एलएच का लेवल बढ़ रहा है, एफएसएच का कम हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है ना, फर्स्ट डे पे तो नहीं था, सेकेंड पे थोड़ा कम हुआ, थर्ड पे थोड़ा कम हुआ, चौथे में और कम हुआ, पांचवें में बिल्कुल ही इंटरचेंज हो गए, है ना, लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच जो है वो दोबारा क्रॉस हो गए और वो अब इंक्रीज कर रहे हैं एलएच और एफएसएच डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही कोरिलेटेड इवेंट में यूट्राइन इवेंट का बोला, तो वहां बोला मेंसेस हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, द टिश्यू इज ऑल्सो डीजनरेटिंग, है ना, दैट इज डीजनरेटिंग, दैट इज थिनिंग आउट, दैट इज गेटिंग डीजनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कुछ भी इसके कंसर्न में लिख सकते हैं। आफ्टर द मेंसुरेशन फॉलिकुलर फेज में एज द एलएच लेवल इज इंक्रीजिंग, सो इज द रीबिल्डिंग ऑफ द टिश्यूज ऑफ द एंडोमेट्रियम इज टेकिंग प्लेस, ये एनालिसिस है। पर बेटा एक चीज ध्यान में रखो सब लोग, आपने जो इवेंट्स का बोला है, मैंने आपको टर्म वन में भी, पीटी वन में भी कहा था कि जो इवेंट्स का बोला है सिर्फ उनको फोकस देना है, चार इवेंट्स है, सिर्फ वो दो का आपने फोकस देना है जहां उसे पूछा है, जहां पूछा ही नहीं है वहां उसमें कंफ्यूज मत होना, उनके वर्ड्स देखते ही कांटा मार देना उस ऑप्शन को। अगर आपको बीच में फॉलिकल टर्म आ गई, कहीं पे कॉर्पस लूटियम आ गया, कॉर्पस लूटियम इज रिग्रेसिंग और डेवलपिंग जो भी आ गया, वहां पे ऑप्शन पढ़ते ही कांटा मार देना, बिकॉज यू आर नॉट आस्क्ड फॉर द वेरियन इवेंट, यू पीपल आर मैक्सिमम टाइम्स यू आर कंफ्यूज ओनली इन दीज कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर गलत क्या है, क्योंकि वो सारे सही है इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल द इवेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल द इवेंट्स, नॉट ओनली फॉर दोज जो पैशन में है। गेटिंग? हाँ जी गितेश, एनी फर्दर प्रॉब्लम बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर प्रॉब्लम हुआ, पता लगा? हाँ जी, हाँ जी मैम, पता तो लग गया मैम। एलएच की सर्ज ही एफएसएच की सर्ज क्यों आती है, कब आती है, कैसे? एलएच एलएच सर्ज जो है दैट इज ड्यूरिंग द बिफोर द ओव्यूलेशन पीरियड, बिफोर हो रही है ना, देखो 14th डे की लाइन लगी है सेंटर में, एलएच सर्ज सिग्नलाइजेस द ओव्यूलेशन। हाँ, जब भी एलएच एकदम से पीक पे चला जाता है, एकदम उसकी सेक्रेशन बढ़ जाती है, तो दैट राइजेस अप एंड देन फॉल्स डाउन, देयर बाय सिग्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन टेकिंग प्लेस। फर्दर जैसे ही वो डाउन फिर से आनी शुरू हो जाती है, एंड दैट गिव्स अ सिग्नल एंड ओव्यूलेशन टेक्स ओवा, रिमूव आउट हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, बस ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बाद जनरेट हो जाएगा ओव्यूलेशन अगर ना हो। हाँ, फिर उसके बाद कॉर्पस, सब कुछ देखो लिखा है इसी चार्ट में, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटिंग, कॉर्पस ल्यूटियम देन रिग्रेसिंग, ये मेरे पास भी एक क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेट अस सी ये क्वेश्चंस आप आंसर दे पाते कि नहीं, इसी फ्लो चार्ट के कनेक्शन में है, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, जस्ट वेट। हाँ हाँ जी, सो दिस इज आई टेल यू हेयर, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स की बात करी है, एंड द ब्लू लाइन इज एक्स एंड द पिंक लाइन इज वाई, ओके, ब्लू लाइन इज एक्स, पिंक लाइन इज वाई, बाकी सब कुछ सेम है, ओनली पिट्यूटरी हार्मोन लेवल शोन है इस ग्राफ में, नेम द हार्मोन्स एक्स एंड वाई, पहला क्वेश्चन बताओ, ब्लू लाइन वॉज एक्स एंड पिंक लाइन वॉज वाई, सो ब्लू इज विच हार्मोन, रेज योर हैंड्स क्विक। हाँ जी समृद्धि मैम, ब्लू एलएच है और पिंक वाली एफएस, एक्सपैंड एंड टेल द हार्मोन्स, ओके, व्हेन यू आर आस्क्ड सच क्वेश्चन, दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके गुड, नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम, आइडेंटिफाई द ओवेरियन फेजेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे टू 12th डे ऑफ द साइकिल। देखो अब मैं बुक में से ही पढ़ रही हूँ, मतलब आपके क्वेश्चंस हैं ये, यही बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बताओ मुझे, आइडेंटिफाई द ओवेरियन फेजेस, नाउ व्हाट टू बी कोरिलेटेड, ओवेरियन फेजेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल 5th डे टू 12th डे ऑफ द साइकिल, व्हाट द क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द ओवेरियन फेजेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शंस बिकॉज यू विल गेट द आंसर हिंट, है ना, हिंट नहीं देना मैंने, मेरे को आंसर दो सीधा,
हाँ जी शिवम मैम, फिफ्थ डे में मैम वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में बन रहा है, मतलब फॉलिकल का नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है ओवुलेशन हार्मोन जो है। यही कारण मैंने आपको आंसर के ऑप्शंस नहीं बोले थे, आपने सुना नहीं है, टर्म नहीं सुना बेटा। आइडेंटिफाई द ओवेरियन फेजेस, फेजेस वेयर आर द फेजेस रिटन ऑन द एक्स एक्सिस, जस्ट टेल मी द फेज फ्रॉम फिफ्थ टू ट्वेल्थ डे कौन सा है। हाँ जी समृद्धि, फॉलिक्यूलर फेज, यस इट्स फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव, कुछ भी टर्म आ सकती है। अब आपको चार यहाँ पे लिख दिए, वो तो यूटराइन फेजेस है ना, यूटराइन फेजेस या ओवेरियन फेज भी तो है, ओवरी के साथ भी तो चल ही रहे हैं, दे आर नॉट ओवरी में तो यूटरस फेजेस हैं, ओवरी में तो वो फॉलिकल्स की चेंजिंग के इवेंट्स आएंगे ना उसमें तो। देखो ना वो मैं समझ गई, वो आपके ओवरी के इवेंट्स है, वो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। अब ये जो फेज दिया है, फेज का मतलब क्या है कि उसमें ये चारों चेंजेस इकट्ठी आती है, फेज है ये, फेज का मतलब ही ये है ना कि फॉलिकुलर फेज है और फेज के दौरान जो रीबिल्डिंग है यूट्रस की हो रही है, प्रोजेस्टेरोन लेवल इसके बाद बढ़ जाएगा, इसमें एस्ट्रोजन थोड़ा राइज अप कर गया है, फॉलिकल जो है वो मैच्योर कर जाता है, ओव्यूलेशन की तरफ जाएगा, एलएच ज्यादा हो चुका है एफएसएच से एज अकॉर्डिंग टू और रिलेटेड टू और कंपेयर टू द मेंस्ट्रुएशन फेज, है ना। ये सारा फेज है पूरा ऊपर तक, चारों चीजें इसमें इकट्ठी चल रही है, ठीक है, है ना। तो फेज पूछा यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वेरिएंट, इवेंट्स नहीं, चेंजेस नहीं, फेज, ठीक है। सो फिफ्थ डे टू ट्वेल्थ डे इट इज द फॉलिकुलर फेज, राइट। नेक्स्ट इज फ्रॉम 14th डे ऑफ द साइकिल, दैट इज नॉट फ्रॉम, इट्स ओनली 14th डे ऑफ द साइकिल, व्हाट इज दैट फेज, 14th डे, यस शिवम, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, वेरी राइट, वेरी गुड। और वी कैन इवन राइट ओव्यूलेशन इज टेकिंग प्लेस, ओव्यूलेशन प्रोसेस है नो डाउट, बट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज, इफ टर्म नहीं होगा तो ओव्यूलेशन होगा, वो भी करेक्ट, ठीक है। 16th डे टू 25th डे ऑफ द साइकिल, 16th टू 25th डे ऑफ द साइकिल, अगेन ओनली शिवम, हाँ जी अदर्स ऑल्सो, गितेश यू ऑल्सो ट्राई टू आंसर, बच्चे बोलो, समृद्धि बोलो, मैम लूटियल फेज और सेकेंडरी फेज, यस लूटियल फेज, राइट। सो बेटा लिसन नाउ, यहाँ पे क्या है, अब आपको ये ग्राफ पूरा मेरे सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है इसलिए आप ये बता रहे हो, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन ग्राफ था वहां पे ऑन एक्स एक्सिस दे हैव ओनली मेंशनड द नंबरिंग और उसके नीचे डेज, बस उन्होंने फेजेस मेंशन ही नहीं किए थे, ठीक है। अब वही बात आ गई ना, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मेरा जो क्वेश्चन में ग्राफ है वो क्या है, सारा कुछ कट शॉर्ट कर दो बीच में से ओवेरियन इवेंट्स तक, सारा कुछ कट शॉर्ट कर दो, सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक, सबसे टॉप वाला रेक्टेंगल और लास्ट में ये डेज मेंशन है, बस ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल लिखा है वाई एक्सिस पे, बस इतना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद भी करनी है, ये सारा ग्राफ आपको याद होना चाहिए ऑन टिप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ओवेरियन इवेंट्स, नाउ शिवम इट इज इवेंट्स, ओके, एक्सप्लेन द ओवेरियन इवेंट्स 1, 2 and 3 under the influence of hormone X and Y. ये जो हमने 1, 2 and 3 किए हैं, 1 was follicular, 2nd was ovulatory, 3rd was luteal. तो इन तीनों के ovarian events link करिए under the influence of the hormones. These hormones, LH and FSH. मतलब क्या है अब? गितेश बताओ मुझे पहले मतलब क्या है इसका question का? गितेश tell me. Explain the ovarian events. हैं? Yes, ovarian events पूछे मैम, follicles के बारे में पूछ रही है ना? हाँ, follicles के बारे में पूछे, मतलब आपने सिर्फ ध्यान देना है ovarian event का और pituitary hormone का, ठीक है, बताया ना, under the influence of hormones X and Y, ठीक है, XY के hormones के under influence. ovarian phase का तो Y axis में हम क्या कहेंगे? ovarian events कहेंगे हम? Y axis क्या? जैसे X axis पे आपने दिखाया है ना कि ये ovarian phase है. रिप्रेजेंट कर रहा, तो y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा? फेजेस ही हैं, सारे फेजेस हैं, x एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द डेज अदरवाइज एंड दे हैव मेंशनड दीस फेजेस, हम y एक्सिस पे तो इवेंट्स है सारे, इसे ओवेरियन इवेंट्स कहेंगे इसे, क्या कह रहे हो? y एक्सिस को क्या कहेंगे हम? y एक्सिस तो इवेंट्स शो कर रहा है ना, डिफरेंट इवेंट्स, y एक्सिस आपको यहां पे चारों इकट्ठा एक ही ग्राफ बना दिया, पर हैं ये चार ग्राफ्स हैं,
पहला ग्राफ सबसे नीचे बॉटम रेक्टेंगल, सबसे बॉटम रेक्टेंगल देखो, उसका एक्स एक्सिस डेज, वाई एक्सिस योर ट्रेनिंग एज, खत्म। फिर ऊपर देखो ओवेरियन हार्मोन में एक्स एक्सिस डेज, वाई एक्सिस ओवेरियन हार्मोन्स। थर्ड देखो एक्स एक्सिस डेज अगेन, वाई एक्सिस इज ओवेरियन इवेंट्स। फोर्थ वाला लास्ट टॉप पे जो रेक्टेंगल है उसमें देखो, तो दिस इज एक्स एक्सिस इज डेज, वाई एक्सिस इज द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ठीक है, यहाँ कंबाइन लिया है, पर आपको ये चार अलग अलग ग्राफ भी आते हैं। ओके गीतेश, ओके मैम। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था फिर से सुनो, एक्सप्लेन द ओवेरियन इवेंट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स 1, 2, 3 मतलब तीन फेजेस में, फॉलिकुलर फेज में, ओविलेटरी फेज में, लूटियल फेज में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स एक्स वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आपके ये दो हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर तीनों फेजेस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं ये बताना है। पहला आ गया फॉलिकुलर फेज, अब इसमें बताना है LH वाज मोर, FSH वाज लेस। इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज LH सर्ज टू प्लेस, राइजेस अप क्वाइट हाई, बिकॉज ऑफ विच द फॉलिकल मेच्योर्स अप एंड एंटर्स इनटू द ओविलेटरी फेज। समझ आई? मैंने दो चीजों को रिलेट किया, नीचे दोनों का मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। ना उसने बोला है ओवेरियन हार्मोन देखो, ना उसने बोला है यूट्राइन इवेंट देखो, उसे सिर्फ पूछा ओवेरियन इवेंट का लिंक बनाओ एक्स और वाई हार्मोन्स के साथ, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स एंड वाई। समझ आई मेरी बात? सेकंड फेज क्या था आपका? ओव्यूलेशन फेज। नाउ LH एंड FSH दे कंट्रोल दिस ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, जस्ट बिकॉज बिफोर द ओव्यूलेशन देयर वॉज द LH सर्ज एंड द डिक्रीज इन दैट सिग्नलाइजेस द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवम, खत्म। ये हुआ ओव्यूलेटरी फेज पे। बात में किसकी कर रही हूँ? दो चीजों की, एक LH FSH की, दूसरी साथ में ओवरी इवेंट्स की, ओवेरियन इवेंट्स। ठीक है, तीसरा हमारा था 16 to 25 डेज लूटियल फेज। अब यहाँ क्या हो रहा है, LH एंड FSH लो डाउन हो रहे, सर्ज से तो नीचे आ रहे हैं ना, वैसे दोनों में LH ज्यादा ही अभी भी FSH से। ठीक है, सो दे आर एट द लो लेवल्स नाउ एज कम्पेयर टू द सर्ज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन खत्म हो चुकी है, इन दिस फेज ऑफ लूटियल फेज द सेल मास विदाउट द ओवा इन इट दैट ऑल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड दैट स्टार्टेड, वो तो सेक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, वो तो नीचे की बात है, वो हमने बात ही नहीं करनी। ठीक है, दैट हैज डेवलप्ड द कॉर्पस लूटियम एंड फर्दर इन दिस फेज ओनली इट विल बी ऑल्सो हेल्पिंग आउट फॉर द रिग्रेसिंग ऑफ दिस कॉर्पस लूटियम एट द एंड ऑफ द फेज लूटियल फेज के, बाय द लूटियल फेज इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिग्रेसिंग ऑफ दिस कॉर्पस लूटियम, खत्म। एंड बाय द एंड ओनली आप ऊपर भी बताओगे पिट्यूटरी हार्मोन में भी कि LH जो है वो अब कम हो गया, FSH बढ़ गया। समझ आया? अब मैंने इतना सारा कुछ बोला, इतनी डिटेल्स बताई, पर अब ये सारी डिटेल्स कहीं लिखनी नहीं है आपने, आपने ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस में से अपना एनालिसिस ढूंढना है, गेटिंग, बिकॉज दीज आर नॉट योर सब्जेक्टिव पेपर्स, दीज आर योर ऑब्जेक्टिव पेपर्स। हाँ जी, गॉट इट? गितेश, शिवम, समृद्धि, अदर्स, मयंक, वरुण, हाँ जी, तुषार, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तुषार, मयंक, वरुण, आपको समझ आ गया? गॉट इट? ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, कोरिलेशन। सिमिलरली वी हैव वन अनदर क्वेश्चन, सेम ही ग्राफ दिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है, डेज दिया है, सिर्फ लिखा है लेफ्ट में, सॉरी एक्स एक्सिस पे, वाई में मेंशन है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ऊपर LH FSH है, ग्राफ बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला रेक्टेंगल, टॉप रेक्टेंगल। क्वेश्चंस फॉलोड आर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ LH सर्ज, दैट इज इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन, दैट इज दिस इज एसेंशियल फॉर द फर्दर प्रोसेसेस लाइक ओव्यूलेशन। आइडेंटिफाई the ovarian phases during the menstrual cycle, phases are 5th to 12th day, again proliferative phase, 14th day ovulatory phase. The next, menstrual cycles are absent during pregnancy, why? यहाँ पे question पूछा है, why are the menstrual cycles absent during pregnancy, बताओ?
हाँ जी शिवम मैम, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना होता है और कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है जो कि नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच को, जिस कारण उनकी वो अमाउंट कम हो जाती है और न्यू फॉलिकल्स बनते नहीं है, तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट होती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम से। देखो नीचे बीच वाले दोनों इवेंट्स जो बड़ा वाला बॉक्स है, द डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस द प्रोजेस्टेरोन एंड बिकॉज ऑफ दिस आल्सो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन भी बढ़ा रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहा है। इन दोनों के बढ़ते पड़े पे तब तक के लिए यहाँ पे फॉलिकल्स नहीं बनेंगी जब तक के लिए इनकी लेवल्स लो नहीं हो जाती। बाय द नेक्स्ट साइकिल लास्ट वाला बिल्कुल लाइंस देखो, वहां पे फिर से इनकी हाई राइजिंग जो वेव्स हैं वो नीचे चले गई। जब वो नीचे जाएंगी ओनली देन द फॉलिकल्स विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड हेंस दिस कॉर्पस ल्यूटियम डज नॉट लेट द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स टू टेक प्लेस। सो दीज आर द क्वेश्चंस। So I thought of discussing more questions with you today, all the mixed ones, but this is also not bad. You had a number of questions from here. Okay, tell me some of the questions. Jaldi jaldi se batao mujhe. Which technique is used to diagnose? Okay, ye to sorry. These are case based questions. Let me ask you one or two questions in between. Okay, emergency contraceptives are effective if used within. The options are 72 hours of coitus, 72 hours of ovulation, 72 hours of menstruation, 72 hours of implantation. Anji, Shivam. Ma'am, 72 hours of coitus. Coitus, very good. It's 72 hours of coitus. From the sexually transmitted diseases mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs: syphilis, AIDS, gonorrhea, genital warts. Yes. Identify the one which does not specifically affect the sex organs. Yes, Tushar. Them AIDS. AIDS. Very good. Next is the correct surgical process as a contraceptive method is ovarectomy, hysterectomy, vasectomy, castration. हाँ जी शिवम मैम, क्या आपने बी सी ऑप्शन क्या बोली थी? वैसेक्टोमी। वैसेक की वैसेक? वैसेक, वी ई एस ई सी, वैसेक स्पेलिंग्स में दिया हुआ है। हाँ, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, यस, इट इज वी ए सी ई सॉरी एस ई सी, वी ए एस ई सी टॉमी, एंड ओवेरेक्टोमी लिखा हुआ है, ओ वी ए आर आई ई सी टी ओ एम वाई, सो दिस इज वैसेक्टोमी ओनली, राइट? Okay, next is which of the following birth control measures can be considered as the safest? The rhythm method, the use of physical barriers, termination of unwanted pregnancy, sterilization techniques. Which of the following birth control methods can be considered as the safest? Safest. Anji Shivam. D option. D option, sterilization technique, because that is the only one which is not going to cause any of the contact with the microbes, right? So hopefully you all are prepared for today's test, that is revision test one with the three chapters, and all the very best to all of you. You'll be getting insertion lesion, you'll be getting your MCQs and case-based questions, but please, please, please read the question properly and then go with your answers. Do not be in hurry, okay? Done. So thank you so much. Alji, Shivam, you want to ask?